कैलाश पर्वत और मानसरोवर को धरती का केंद्र माना जाता है। यह हिमालय के केंद्र में है। मानसरोवर वह पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव साक्षात विराजते हैं। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फीट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाता है। प्राचीन काल से विभिन्न धर्मों के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। इस स्थान से जुड़े विभिन्न मत और लोक कथाएं केवल एक ही सत्य को प्रदर्शित करती हैं, जो है ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है। तिब्बतियों की मान्यता है कि वहां के एक संत कवि ने वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। तिब्बती बोनपाओं के अनुसार कैलाश में जो स्वास्तिक दिखता है वह डेम चौक और दोर्जे फोंगमो का निवास है। बौद्ध भगवान बुद्ध तथा मणिपद्मा का निवास मानते हैं। जैनियों की मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभदेव का यह निर्वाण स्थल अष्टपद है। कहते हैं ऋषभदेव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है और यह भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ सती देवी के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उनका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ शक्तिपीठ भी है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गुरु नानक ने भी यहाँ कुछ दिन रुककर ध्यान किया था, इसलिए सिखों के लिए भी यह पवित्र स्थान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रसिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। यह घटना अनुमानतः 10 करोड़ वर्ष पूर्व घटी थी। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का अद्भुत समागम होता है, जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित होती है। कैलाश पर्वत की तलहटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। एक अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से भगवान विष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती हैं, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर के धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत पर कैलाश पति सदाशिव हमेशा विराजे रहते हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वह इसी में शेष सैया पर विष्णु और लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर विष्णु का अस्थायी निवास है, जबकि हिंद महासागर स्थायी निवास है। ऐसा माना जाता है कि महाराज मांधाता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की थी, जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फलों के चिकित्सकीय गुण सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम हैं। कैलाश पर्वत की चार दिशाओं से चार नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश मानसरोवर से जुड़े हजारों रहस्य पुराणों में भरे पड़े हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें शिव की महिमा का
गुणगान किया गया है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ तक पहुँचकर ध्यान करने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भारतीय दार्शनिकों और साधकों का यह प्रमुख स्थल है। यहाँ की जाने वाली तपस्या तुरंत ही मोक्ष प्रदान करने वाली होती है।